अब जो है हमारे पास सिंपल मेथड है और मेथड हमारा सेट है 3 पॉइंट एसिम्प्टोट मेथड। तीनों पॉइंट हमने मार्क कर लिए और एसिम्प्टोट निकाल ली। अब देखिए कर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर एक बार लिख देते हैं किसका कर्व बनाने जा रहे हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। बहुत ही गजब का कर्व बनता है ये। चलिए ये इससे टफ कर्व नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर सब गंदगी है पूरी तरह, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब आता है। चलो कर्व बनाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए आराम से। अभी आप देखें कर्व कितना ब्यूटीफुल लिया जाता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद एसिम्प्टोट बनाइए डॉटेड लाइन से। वाई इक्वल टू वन एक एसिम्प्टोट हो गई, वाई इक्वल टू वन। वर्टिकल एसिम्प्टोट थ्री और फोर आ गई। ये रही वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल टू थ्री और ये रही एक और वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल टू फोर। आराम से करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, उसके बाद डॉटेड लाइन से एसिम्प्टोट बना दीजिए। बना दी। अब आप पॉइंट्स को मार्क करना शुरू करें। सारे पॉइंट्स को मार्क करना है आपको, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं। सबसे पहले अच्छे अच्छे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। 0,1/16 एक्स जीरो पर y की वैल्यू यहां कहीं आ रही है 1/16, 1,0 तो 1,0 यहां पर कहीं है 1, 2,0 2,0 यहां पर कहीं है 2। उसके बाद यहां पर नीचे देखें, तीन से चिनन मिनन पहले प्लस इंफिनिटी, तो तीन से चिनन मिनन पहले प्लस इंफिनिटी, तीन के चिनन मिनन बाद माइनस इंफिनिटी, चार के चिनन मिनन पहले माइनस इंफिनिटी, चार के चिनन मिनन पहले माइनस इंफिनिटी, चार के चिनन मिनन बाद प्लस इंफिनिटी, चार के चिनन मिनन बाद प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू वन। अब प्लस इंफिनिटी पर वन को टेंड कर रहा है किधर से, उसके जस्ट बगल में देखें, वन की बड़ी वैल्यू से। माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू वन, लेकिन ये वन को किधर से टेंड कर रहा है, वन की बड़ी वैल्यू से कि वन की छोटी वैल्यू से, जस्ट उसके बगल में देख लें। तो जस्ट बगल में देखे तो वन की बड़ी वैल्यू से, लेकिन उसके बगल में जो पॉइंट है माइनस इंफिनिटी के, ये उसके बगल में आएगा 0,1/16, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो पॉइंट पड़ेगा वो 0,1/16 पड़ेगा। माइनस इंफिनिटी फिर जीरो फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो माइनस इंफिनिटी के बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो 0,1/16, तो माइनस इंफिनिटी के जस्ट बाद जो हमारे पास अवेलेबल पॉइंट है वो जीरो है, और जीरो पर वैल्यू वन से छोटी है, तो ये वन को टेंड करेगा वन की छोटी वैल्यू से। आराम से मार्क करना है। तो हमने सब कुछ मार्क कर लिया, दो वैल्यू बस बच गई, 5 + √3/2, 5 − √3/2। आइए इनको मार्क करते हैं। 5 − √3/2 कितना इसकी वैल्यू आती है, 5 − √3/2 5 − 1.7 तो 3.3/2 1.57। तो 1 और 2 के बीच में यहां पर कहीं है 5 − √3/2। अब 5 − √3/2 ध्यान देके मैं वैल्यू कैसे निकालता हूं, हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। 5 − √3/2 अप्रोक्सीमेटली 5 − √3 यानी 3.3, 3.3 डिवाइड बाई 2 1.6 के आसपास हो गई। अब 1.6 बस इसमें रख देते हैं तो 1.6 पॉजिटिव, 1.6 नेगेटिव, 1.6 नेगेटिव, 1.6 नेगेटिव, कुल मिला के नेगेटिव। तो 5 − √3/2 पर जो मैंने यहां मार्क किया है इसको ए कह देते हैं, ए है ना, ताकि वहां लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो ए पर कुछ नेगेटिव वैल्यू है, सम नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वो नेगेटिव वैल्यू हमने निकाली नहीं, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ध्यान देना है। अब सुने ध्यान से, 5 धीरे धीरे हौले 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 हौले, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वो तुम कॉपी नहीं कर रहे थे उस वक्त, एक्चुअली इसे तुमने कॉपी नहीं किया होगा लगता है, स्टेप 3 कॉपी नहीं किया होगा तुमने, है ना। हाँ 1/6 ही है वो तो 1/6 कर लेंगे। नहीं मुझे लगता है तुमने स्टेप 3 कॉपी नहीं किया होगा इसीलिए तुम्हें पूछ रहे हो,
ये आ गया, तो उसको 1/6 कर लें, ये आ गया 1/6, वो तो गड़बड़ है, एक मिनट, ये आ गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 1/6 आपने गलत जगह बना दिया है, उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/6। मैं सोच ही रहा था ग्राफ बहुत ज्यादा टेढ़ा हो रहा था, ये आ गया 1/6, अब ठीक है। ये लीजिए सारे पॉइंट मार्क कर लिए हम लोगों ने, अब यहां पर आ जाइए, नहीं अभी एक लास्ट पॉइंट बच गया, 5 + √3/2। तो मैंने 5 - √3/2 को ए कहा और ए पर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही, इतना ही हमारे लिए काफी है। 5 + √3/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी भाई, यह आ जाएगा 1.7 6.7 6.7/2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.35 आ रहा है, लेट अस कॉल इट बी। तो 3.35 यहां कहीं आएगा, 3 और 4 के बीच में यहां पर कहीं बी आ जाएगा। अब 3.35 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है देख लेते हैं, और 3.35 रख के अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। पॉजिटिव 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 3.35, ये तीनों पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, तो कुल मिला के यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो यहां पर भी एक कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली निकाल भी सकते हो। लेट अस मार्क कर लेते हैं कि भाई कुछ नेगेटिव वैल्यू 3.35 पर आ रही है। ये लीजिए सारी वैल्यूज मार्क कर ली है, अब देखिए एक कोने से शुरू होइए और सबको स्मूथ कर्व से जोड़ते चलिए। सारे पॉइंट हमने मार्क कर लिए हैं, सारे पॉइंट मार्क्ड हैं, शुरू हो जाइए। अब देखिए इस कर्व को, ये देखिए यहां से शुरू होगा, स्मूथ कर्व सारे पॉइंट्स गुजरता हुआ, ऐसे इन्फिनिटी को, यहां से जहां पर बन गया कर्व, बेहतरीन ग्राफ है ये, बेहतरीन मतलब सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट ग्राफ अगर बना लिया, इसको समझ लिया तो बात बन गई। मेथड बिल्कुल सेट है, 3 पॉइंट एसिम्प्टोट मेथड लगाना है, 3 पॉइंट भरने हैं, वो 3 पॉइंट कौन कौन से भरने हैं, वो 3 पॉइंट हमको भरने हैं, डोमेन की बाउंड्रीज पर वैल्यू, जहां पर डेरिवेटिव जीरो जाता है वो, और जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करता है, बस। उसके अलावा बच्चे इसमें पूछते हैं सर बीच में कहीं घूम गया, नहीं घूमेगा, एक बार आपने सारे पॉइंट मार्क कर लिए तो जितने घुमाव वुमाव थे वो सब आ गए, बस आप इन पॉइंटों को बेहतरीन स्मूथ कर्व से जोड़ दीजिए और बन गया कर्व। ये क्वेश्चन रुड़की में आया था, उसमें ये वाला एरिया पूछा गया था, ये इतना सा एरिया 1 और 2 के बीच में, ऑल्दो उसमें कर्व स्केचिंग की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने कर्व स्केच कर लिया। ये मेथड इतना जबरदस्त है कि ब्रह्मांड का कोई भी कर्व, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखकर समझ जाओ, कोई भी कर्व स्केच कर सकते हो आप। 3 पॉइंट एसिम्प्टोट मेथड, आपको चार्ट में 3 पॉइंट भरने हैं, एसिम्प्टोट निकालनी है, खत्म। देखो पिछली बार से कम टाइम लगा जबकि कर्व काफी बर्बाद था। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉपी करिए इसको। अब हम लोग ब्रह्मांड में किसी भी चीज का कर्व स्केच कर सकते हैं, अब हम लोग कर्व स्केचिंग में एक्सपर्ट हो गए, यूं समझ लीजिए आप, कर्व स्केचिंग में बिल्कुल हमारी एक्सपर्टीज आ गई, कहीं से लेकर अब कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मेथड सेट है, इस मेथड का नाम 3 पॉइंट एसिम्प्टोट मेथड, चार्ट के अंदर 3 पॉइंट भरने हैं, कौन कौन से भरने हैं, डोमेन की बाउंड्री पर वैल्यू भर दीजिए, जहां डेरिवेटिव जीरो आए वो वैल्यू भर दीजिए, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहां काटता है वो वैल्यू भर दीजिए, बस 3 पॉइंट भरे, एसिम्प्टोट निकाली, कर्व बन गया। ये सबसे बर्बाद कर्व है जो आपने बनाया है, एक कुछ भी बन सकता है इससे। चलो कुछ क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन पूरी तरह बेस्ड थे कर्व स्केचिंग पर, कर्व स्केचिंग की चाशनी में आधे घंटे तक पकाए गए क्वेश्चन। आइए ये देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, क्वेश्चन कहता है, आइए मिलजुल के करते हैं, क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स एंड y इक्वल टू एल एन एक्स ई एक्स, वेयर एल एन ई की वैल्यू 1 है, वो तो हमको पता ही है। तो उसने 2 कर्व दिए हैं y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स,
और दूसरा कर्व दिया है y इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, तो y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स एंड y इक्वल टू एल एन एक्स बाई ई एक्स, तो इन दोनों द्वारा बाउंडेड हमको निकालना है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले इसका कर्व हम लोग स्केच करेंगे, इसकी डोमेन लिख लें, तो इसकी डोमेन आएगी जीरो से इंफिनिटी। इसका कर्व स्केच कर रहा हूं, दोनों बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू निकालें, देखो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। क्यों इन्फिनिटी आ जाएगी? क्योंकि एल एन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी, जीरो जीरो पर ये जीरो इंटू की फॉर्म बनने लग जाएगी, तो जीरो पर आपको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम लिख देंगे ई एल एन एक्स अपॉन वन बाई एक्स, देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। बाबा का नाम ले लोपिटल बाबा, बाबा बहुत दयालु हैं, ये आ जाएगा e बाई एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x अप्रोचेस जीरो, e बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स विच इज जीरो, तो जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। ये आ गया, देखिए ध्यान से इसको। अब यहां पर देखो इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं जाएगा, तो यहां पर डिनोमिनेटर अगर कभी भी जीरो नहीं जाएगा, कहीं पर भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं। अच्छा एक बात और, एल एन एक्स एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ओके चलो, ये हमने निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव अभी धीरे धीरे करते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई एल एन एक्स प्लस ई, तो ई इंटू एल एन एक्स माइनस वन प्लस वन, ये निकल के आ गया है ना, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, एल एन एक्स का वन बाई एक्स आ गया। तो डेरिवेटिव कहां पर जीरो जा रहा है? तो वाई डैश इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू वन बाई ई, एक्स को वन बाई ई रखेंगे, तो एक्स को वन बाई ई पर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x को 1 by e रखेंगे तो e से ही कट जाएगा, ln 1 by minus 1। आइए इस कर्व को हटा देते हैं, नीचे बनाएंगे इस कर्व को, चार्ट हम बना लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा चार्ट का यहां पर बना लेते हैं, एक एक करके कट जाते हैं x और y। तो जीरो पर वैल्यू जीरो है लेकिन जीरो इंक्लूडेड नहीं है, यानी जीरो से चिन्ह मिनन बड़े पर वैल्यू जीरो है, इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी है, 1 बाई ई पर वैल्यू माइनस वन है। यस, अब आइए देखिए, तो हमने दो पॉइंट्स भर लिए, डोमेन की बाउंड्री पर पॉइंट भर लिया, डेरिवेटिव जहां जीरो जाता है पॉइंट भर लिया, एक्स एक्सिस को कब काटेगा? जब वाई जीरो होगा, तो ये वाई कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि एल एन वन जीरो हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कट्स एक्स एक्सिस एट 1, 0 एंड नेवर कट्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्यों नहीं काटता? क्योंकि वाई एक्सिस को तो तब काटेगा जब एक्स जीरो होगा, लेकिन एक्स जीरो तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो एक और पॉइंट मार्क कर लीजिए 1, 0। आइए इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट के बारे में बात करें। क्या एक्स के इंफिनिटी जाने पर वाई फाइनाइट आया? नहीं आया, तो नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या कहीं डिनोमिनेटर जीरो जा सकता है? नहीं जा सकता, तो नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। आइए इसका कर्व स्केच कर दें, इस बार कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जीरो के आसपास में वैल्यू जीरो है, ऐसे ओपन इंटरवेल ऐसे बना दें, क्योंकि जीरो खुद शामिल नहीं है लेकिन जीरो के पास में वैल्यू जीरो है। वन बाई ई पर वैल्यू माइनस वन है, वन पर वैल्यू जीरो है, इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी है। चारों पॉइंट मार्क हो गए हैं, चारों पॉइंट को जोड़ता हुआ कर्व 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 बस ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया, ये इस पॉइंट को इसी के ऊपर ही कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा पहला कर्व। देखिए कर्व स्केचिंग सीखने से अब हम तरह तरह के कर्व बना सकते हैं। y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स का कर्व आज हमने बना दिया भाई साहब खच से। आइए कॉपी करिए, दूसरा कर्व बनाएं, फिर दोनों को एक ही पेपर पर बना के एरिया निकाले, कॉपी करिए, ध्यान देंगे। अब सेकंड कर्व हम बनाने जा रहे हैं एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, आराम से बनाएंगे कर्व, मेथड सेट है, बुद्धि नहीं लगाइए। y इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, ये कर्व बनाना है।
सबसे पहले इसकी डोमेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोमेन। तो इसकी डोमेन आती है जीरो से इंफिनिटी, क्लियरली डोमेन जीरो से इंफिनिटी आ रही है। आइए दोनों जगह पर वैल्यू निकालें, जीरो पर ध्यान से देखें, जीरो पर वैल्यू एल एन जीरो ये इंफिनिटी जाएगा, और ये एक्स क्यू देखें ये भी जीरो जाएगा, मतलब बेस जीरो जा रहा है। इसको यूं समझे, अक्षर को ऐसे समझा देता हूं कि एल एन एक्स अपॉन ई इंटू वन बाय एक्स समझे, अगर एक्स जीरो जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी भी इंफिनिटी जाएगी, मतलब माइनस इंफिनिटी जाएगी, और वन बाय एक्स भी इंफिनिटी जाएगा, तो कुल मिला के यहां पर माइनस इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इंफिनिटी की बात करेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी यहां पर एल एन एक्स अपॉन ई एक्स की बात होगी। लॉपिटल बाबा का नाम लेंगे, लॉपिटल लगाएं यहां पर, हाँ यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एक्स अप्रोच इंफिनिटी एल एन एक्स की वैल्यू वन बाई एक्स अपॉन ई, तो वैल्यू जीरो आ गई, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू जीरो आ रही। यहां पर देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स के इन्फिनिटी जाने पर वाई फाइनाइट आ रहा है। यहां इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट है एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। तो बाउंड्री पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल ली और एसिम्प्टोट निकाल लिया। उसके बाद हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई इंटू वन माइनस एल एन एक्स आ जाएगा अपॉन ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश इक्वल टू जीरो कहां पर भैया, एक्स इक्वल टू ई पर, और एक्स ई पर वाई की वैल्यू कितनी आती है, एक्स को ई रख दें एल एन ई वन वन बाई ई स्क्वायर। ये लीजिए, ये भी हमने प्लॉट कर लिया, ये वाला भी काम हो गया। नेक्स्ट वाई एक्सिस को क्या काटेगा, जब एक्स जीरो जाएगा तो एक्स तो जीरो जा ही नहीं सकता कभी, तो नेवर कट्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वन कॉमा जीरो पर, तो कट्स एक्स एक्सिस एट वन कॉमा जीरो। चाहो तो चार्ट बना लो, चार्ट बनाने से थोड़ा सा फीलिंग से आती है। तो ये लीजिए एक्स और वाई, तो जीरो से चिन्हन मिनन बड़े पर माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पर वैल्यू जीरो, ई पर वैल्यू वन बाई ई स्क्वायर, वन पर वैल्यू जीरो, और एसिम्प्टोट भी आ गई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू जीरो, वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल टू जीरो। लीजिए ग्राफ बनने के लिए तैयार है, हमने बेसिक फ्रेमवर्क रेडी कर लिया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए और एसिम्प्टोट बनाए, तो आइए एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू जीरो यानी खुद एक्स एक्सिस हो गई, तो अलग कलर से बना देता हूं, एक्स इक्वल टू जीरो खुद वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसकी क्या हो गई, एसिम्प्टोट। आइए पॉइंट्स को मार्क करें, जीरो पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी है जीरो चिन्ह में बड़े पर, वन पर वैल्यू जीरो है, ई पर वैल्यू वन बाई ई स्क्वायर है, इन्फिनिटी पर वैल्यू जीरो है। अब जीरो को टेंड करेगा ये किधर से, बगल में देखें जीरो की बड़ी वैल्यू से। सारे पॉइंट मार्क कर लिए, स्मूथ कर्व से जोड़ दें, ये बन गया इसका कर्व। पॉइंट मार्क करने के बाद अब आपको यह नहीं सोचना कि बीच में उछलेगा कूदेगा कुछ नहीं करेगा, अब बस सारे पॉइंटों को स्मूथ कर्व से जोड़ दें, कॉपी करिए। तो हमने दोनों कर्व बना लिए हैं, ये रहे। आइए दोनों कर्व को सेम ग्राफ पेपर पर बनाएं, यहां पर देखिए दोनों के दोनों कर्व में एक पॉइंट कॉमन है वन कॉमा जीरो, और ये भी वन कॉमा जीरो से पास होता है। दोनों कर्व में एक और पॉइंट कॉमन है, आइए अभी हम बताते हैं। सबसे पहले दोनों कर्वों को, अरे गलत बना लिया, सबसे पहले दोनों कर्वों को सेम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं ताकि थोड़ा सा दिख पाए। ध्यान से देखिए ये रहा, सबसे पहले इसको दोनों को अलग अलग रंग से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको येल्लो कलर से ही बना लेते हैं, तो येल्लो कलर से हम बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है,
ये लीजिए, पॉइंट को तो मार्क कर देते हैं 1,0, तो ये पॉइंट आपका 1,0 और ये हाईएस्ट पॉइंट ई आ रहा है और ई पर वैल्यू आ रही है 1/e². ये हमने येलो कलर से कौन सा कर्व बनाया, येलो कलर से बनाया ln x/ex। आइए एक और कलर का चुनाव कर लेते हैं, रंगों की कोई कमी नहीं है। चलिए अब इस कर्व को बनाते हैं, 1/e पर वैल्यू -1 आ रही है, तो 1/e जो होगा 1/e और 1, तो 1 थोड़ा पास ही बना दिया, कह रही ऐसे करके पास हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे चला जाता है, ये वाला कर्व बना दिया, ये कर्व बना दिया ex ln x, थोड़ा 1 पास ही बन गया, खैर कोई बात नहीं है। चलिए दोनों में, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देखें, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एक तो 1,0 है, दूसरा एक बात और देखें, 1/e पर, इसकी 1/e पर वैल्यू -1 आती है, इसकी भी 1/e पर वैल्यू -1 आती है, तो यही दोनों के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है। आइए एक और कोई रंग चुन लेते हैं, थोड़ा पिंकिश सा ले लेते हैं, पिंकिश भी चलेगा, तो एक ये और ये, बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1/e पर वैल्यू -1, तो जो एरिया बाउंडेड आ रहा है वो ये इतना सा एरिया आ रहा है, इतने से एरिए के लिए इतनी ज्यादा मेहनत, मतलब ऐसा लग रहा है भगवान क्या हो गया। तो एरिया बाउंडेड की अगर बात करें तो 1/e से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx, मिल गया आंसर, जरा से एरिया के लिए इतनी जद्दोजहद। चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ यस, एक और क्वेश्चन कर्व स्केचिंग पर बेस्ड, जिसमें थोड़ा कर्व स्केचिंग का यूज आ जाता है, कर्व स्केचिंग का यूज बहुत सारी जगह आ सकता है। एक और सवाल ये भी IIT में आया हुआ, कर्व स्केचिंग पर आधारित। आइए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दे रखा है y = xe^-x, दूसरा कर्व है xy = 0। अरे ये xy = 0 कर्व नहीं है, इसका मतलब x = 0 एंड y = 0, यानी भाई साहब ये आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस ही है एंड x = 0। चलो सबसे पहले एक कर्व स्केच करते हैं फिर बात करते हैं। इस कर्व की बात करें तो इस कर्व का डोमेन अब की बार पूरा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी पूरा फैला हुआ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए दोनों जगह पर वैल्यू निकालें, इसको आप x/e^x भी समझ सकते हैं। आइए इसको समझे, माइनस इनफिनिटी पर जब आप वैल्यू निकालेंगे, यहां माइनस इनफिनिटी रखेंगे और नीचे वाली चीज जीरो जाएगी, e^0, तो माइनस इनफिनिटी, तो यहां पर माइनस इनफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। इनफिनिटी पर आपको इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, तो लॉपिटल लगाएंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब देखे ध्यान से, इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, जी हाँ y = 0 हॉरिजॉन्टल बनेगी। वर्टिकल एसिम्प्टोट, क्या कोई इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट रहेगी? नो, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं रह पाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं जाएगा। ये हमने बना लिया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाले, तो e^-x - xe^-x कॉमन ले ले 1 - x, तो डेरिवेटिव = 0, x = 1 और x = 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाती है 1/e। उसके बाद y एक्सिस को कहां कट करेगा, ये y एक्सिस x एक्सिस कुछ नहीं कट करेगा, ओरिजिन से ही पास हो जाएगा। आइए इस कर्व को हम लोग स्केच करें, तो अगर इस कर्व को स्केच करते हैं ध्यान से देखिए, एक तो ये 0,0 से पास होता है, माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी है x - y इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू जीरो है और 1 पर वैल्यू 1/e है, तो यहां पर कहीं 1 है और 1 पर जो वैल्यू आ रही है 1/e है, प्लस इंफिनिटी वैल्यू जीरो है,
तो जीरो से जरा सा बड़ी ही होगी, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी प्लॉट कर लिया, इन्फिनिटी वन तीन ही पॉइंट आए और जीरो कॉमा जीरो चार पॉइंट, एक दो तीन चार, वेरी गुड। प्लॉट कर दीजिए तो प्लॉट करने से ऐसा आ जाएगा। बहुत सही, कर वैसे प्लॉट सा कर दिया है। एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू सी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां होता है? जहां डबल डेरिवेटिव जीरो जाए। तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं आप, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव। आइए इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई डबल डैश इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जब एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो यहां से निकल के आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स माइनस टू। तो यहां से वाई डबल डैश जीरो, एक्स इक्वल टू 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 टू, तो यहां पर लाइन खींचेंगे एक्स इक्वल टू टू, यही है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बोलता है कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्स इक्वल टू सी तक का एरिया निकालिए। तो जो एरिया बेसिकली वो हमको निकालने को कह रहा है वो ये एरिया है। बहुत सही, तो इस बार एरिया लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन जीरो से टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स। एक्स वाई इक्वल टू जीरो का प्रपंच समझें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का प्रपंच समझें, कॉपी कर लीजिए।